अस्सलामुअलैकुम के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज गंज नुबारा के चहल में आपको दिखाते हैं गंज नुबारा में कैसे चहल लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मीना विहार भी दिखाएंगे आपको। अभी हम ठहरे अपने छत पे घर के, तो आप पीछे का व्यू देख सकते हैं हमारे। अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे हैं, तो हम मीना विहार में जाके मिलेंगे आपको। तो गाइस हम आ चुके हैं झूलों के पास। बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए। तो गाइस ये है मीना बाजार की गली, आपको मीना बाजार दिखाते हैं। खिलौने वगैरह बिक रहे हैं गाइस, देख सकते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं मीना बाजार के अंदर। तो गाइस हम मीना बाजार के अंदर आ गए, आप देख सकते हैं दुकानें लगी हैं, और हम ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं बना रहे हैं, मीना विहार की सही नहीं है, लेडीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, इसलिए हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, छोटी क्लिप बनाई है। तो आप देख सकते हैं ये गाइस हलवे पराठे की दुकान लगी है, और इसी के सामने अपोजिट में बनेटी फिर रही है, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये कितना छोटा बच्चा बनेटी फरा रहा है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनेटी फरा रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। Thank you.
तो गाइस आप देख सकते हैं बनेटी फ्राई जा रही है, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कौन जीतता है इन दोनों में से। आप देख सकते हैं गाइस वो पीछे वाला बंदा है वो बहुत तेज बनेटी फ्राई, उसकी बहुत अच्छी बनेटी फ्राई रही है। आप देख सकते हैं गाइस वो जीत गया। तो गाइस इस भाई की बनेटी गिर गई और वो अभी तरह चल रही है तो वो जीत गया। तो गाइस यहीं पे कर रहे हैं ब्लॉग को एंड। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू ब्लॉग में मिलते हैं।